ਲਓ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਲੜਦੇ ਘੁਲਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਬਸ ਝਾੜੂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਦੋ ਝਾੜੂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜੂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ क्योंकि वह बंदा कहना मेरी वीडियो ना बनायो जेड़ा बंदा झाड़ू लाता वह कहना मेरी वीडियो ना बनायो बिचों ही भांडे कड़े के हाले हौली हौली कड़ा एक एक करके साफ करा थले देख के बड़ी ध्यान स्लैब गिली ना हो आ कटती दवाइया बूटिया मेरिया दवाइया दवाइया कितने मारिया मेरिया दवाइया कि हैलो जी सत श्री अकाल जी सारियां नूं स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल मुंडी फैमिली ब्लॉग्स ते ते उम्मीद करदे आं तुसी सारे वधिया होवोगे ठीक ठाक होवोगे ते वाहिगुरू जी की कृपा दे नाल आपां अपने घरां दे विच तंदुरुस्त होवोगे ते तुसी भी जिहड़ी डीप क्लीनिंग शुरू करती होनी आ ते दशहरे दे विच भी थोड़े जिहे दिन रह गए आ ते साडी जिहड़ी डीप क्लीनिंग आ उह बस फिनिश होण वाली होई आ एक दो दिन लगणगे फिनिश हो जूगी तो शुरू असी काफ़ी दिन तो की हुई है फिनिश होने वाली है बस किचन किचन रह गया तो वह कर दिया हूँ लो जी चाह पी ली ते नाले थोड़ियां गल्लां बातां कर लिया ते उस तो बाद अपने हेल्पर लाए हुए सीगे ते हेल्पर कहिंदे बई सानू जिहड़ा समान नहीं समझ लगदी ना वी ओह तुसी आप करो ते एक जिहड़ियां स्विच हुंदियां ने ओह नहीं ओह साफ करदे हुंदे जिहड़े अपने हेल्पर हुंदे आ करौणियां वी नहीं चाहीदियां बट आप करनियां चाहीदियां ने ओह डरदे हुंदे आ हना ते बाकी आ फिल्टर वगैरह जिहड़ा हना ए वी नहीं ओह साफ करदे हुंदे ओह कहिंदे दीदी कहिंदे ना वी मैनूं नहीं पता लगदा हैगा वी तुसी कोई यदि तार हिल जू कुछ हिल जू मैं उन्होंने बथेरा किया भी कुछ नहीं हिलता गा भी ये तो वैसे भी एक साल हो गया इनू खड़े नू भी आप ला के ही रख देना है असी जिहड़ा हुण पानी आ उह सीधा मोटर तो पीण लग गए जाने कि सिंपल पानी पीण लग गए फिल्टर वाला नहीं पीते एक साल हो गए जो पिछले साल मैं बीमार हो गई सी मैं पहला भी तुहानू दो तीन बारी ब्लॉग दे विच दस्सिया आ भी हुण असी फिल्टर वाला पानी नहीं पीते तो मैं छड्डिया सी फिल्टर वाला पानी पीना मैनू लग्या सी शायद भी मैं आह पानी पी के बीमार हो गई भी आपां जिहड़ी सर्विस नहीं करवाई हैगी फिल्टर दी भी उहदे करके बस मेरी कहण दी देर सीगी बस फिर सारी फैमिली ने भी छड्डता ते हुण पूरा साल हो गया इहनू खड़े नू ते इहदे विच जिहड़ा पानी सीगा उह मैं कढ़ता थोड़ा जिहा पानी इहदे विच उद्दां ही सीगा एक साल हो गया सी पै नू ते मैं हुण सोचदी सीगी भी इहनू आपां चक के परे रख दिंदे आ बट चक्किया चुक्किया तां इह मित्तों बरी गया मैं खोलण दी इहनू कोशिश भी कीती पर खुल्लिया नहीं हैगा ते देखदे आ कल आपां जिहार दे डैडी तों खुलवा दांगे इहनू देखदे आ फिर चक के जां तां कबाड़ियां दवांगे जां फिर जे सर्विस हो के चलण दा ठीक हो गया तां फिर आपां रख लांगे ते देख लो मैं थक गई मेरी कूणी भी फुट गई ते मेरी कूणी ते भी सट लगी ते मैनू साह भी चढ़ गया मैतों होया नहीं हैगा कम ते मैं बैठ गई इत्थे इन्ना के कम कर दी ते बस मेरा जिवें कहिंदे साह चढ़ गया मैनू होया नहीं गा
मैं चक्कण लगी सी वैसे भी मैं खाली करके ना उन थले ला के आपां धो दिंदे आं जे तां ठीक होया तां चल जू नहीं ना सी ते उस तों बाद फिर वारी आ गई मेरी इस विच साफ करन दी ते इहनूं आपां चंगी तरहां जिद्दां पहलां वीडियो दे विच तुहानूं दस्सिया है स्क्रब लैके इहनां नूं स्क्रब कर लांगे ते इन्नियां ज़्यादा जिहड़ियां इह सुच्चां हुंदियां ने आपां पंजाबी दे विच सुच बोलदे आं ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं बोलनी स्विच भी नहीं कहना है ना ते इन्नियां क ज़्यादा साफ हुंदियां जिद्दां इह वालियां ना फ्रिज वाला इह प्लग आ इह हर टाइम चलण दा करके ना इह पीलियां पै जांदियां ने ते बिल्कुल ही पीली दिखदी सी ते देखो मैं हुण थोड़ी जिही इहनूं स्क्रब कीता आ ते देखो हुण इह वाइट वाइट हो गईआं ते जिहड़ा इहदा उह बोर्ड आ ना उह हैगा ही थोड़ा जिहा जैलो सीगा तां करके उह जैलो दिखदा जिहड़ी उपर स्विच सीगी उह सीगी थोड़ी जिही वाइट ते मैं हैंडल भी साफ करता उह उहनां नूं लग्गिआ सीगा वी शायद टुट जूगा जां की हो जूगा तो मैं क्या भाई ये टुटदा नहीं है भी इनू खोल के सिट्टो परे धो दो माँ जो स्टील का ही आ तो फिर उस तो बाद उन्होंने आले दराज जोड़े साफ करते से मैनू कहंदियां भी सानू पता नहीं लगता भैने बई इत्थे जिहड़े है ना पेपर बिछाउणे आ तुसीं आप बिछा लो जिहड़े अखबार बिछाउणे आ भी सानू इहदे बारे है ना पता जिहा नहीं लगता भी हुंदा ना आपदे घर दा काम आप नू करन दी आदत हुंदी आ ते अगले नू नहीं भी पता लगता भी तुसी इत्थे की समान रखना जां तुसी किद्दां इत्थे की बिछाउणा आ नहीं पता लगता हैगा भी किद्दां उह कह रहे अखबार बिछाउंदे सी मैं डबल फोल्ड बिछाउनी हुंनी आ ते फोल्ड करके ते उह कह रहे बिछाउंदियां सी मैं कहा रहिण दो तुसी भी तुहाडे वास्ते रोग नहीं हैगा इह मैं करदी आ ते उहनां ने साफ कीता होया सी भाई मैनू फिर भी लग्गिया दाग जे मैं कहा नहीं भी मैनू एक वारी कपड़ा फड़ाओ तुसी ते मैं अखबार चक के ना दुबारा फिर कपड़ा फेरिया ते कपड़ा फेर के फिर अखबार बिछाए ते ए ड्रॉ जिस दिन दा बनिया ना मतलब जदों दा अपना किचन तैयार होया आ जहार दे वर्त तो पहला ए पूरा किचन जाने कि अपना घर सारा पूरा तैयार हो गया सी जहार दे वर्त तो पहला ते ए उदों दा ही इत्थे जिहड़ा ए ड्रॉ आ ना इत्थे मतलब मेडिसन ही हुंदियां ने है ना सारे तरह दियां साडियां चारां जणियां दियां पहला अपने बेबे बापू दियां भी हुंदियां सी ते हुण अपने बेबे बापू है नहीं गए एक्सपायर हो गए ने ते उन्हां दियां वी इत्थे पईआं हुंदियां सी कोई आइस ड्रॉप आ जां किसे वी तरहां दी कोई खंघ दी कोई बुखार दी बस इह मैडिकल ही आ समझ लो है ना वी इह साडे घर दा मैडिकल आ है ना ते लो जी इत्थे आपां नाल लईआं होईआं बाबा दीप सिंह जी ते गुरु नानक देव जी दी पिक ते पहलां इत्थे कुछ नहीं सी इदां है ना वी जदों आपां सवेरे किचन दे विच वड़दे आ मैनूं लग्गिआ इह ना बाबा दीप सिंह जी दी पिक शायद मैं पेपर दे विचों कट ली सी ते गुरु नानक देव जी दी वी शायद पेपर चों कट्टी हुई आ है ना मैं इदां पेपर फिर जे विच फोटो होवे गुरुआं दी जां इदां बाबा दीप सिंह जी दी अपने सिंघा शहीदां दी किसे दी वी मैं इदां नहीं पेपर सिट्टदी हुंदी मैं विचों पिक कढ लैंदी हुंनी आ है ना ते फिर मैं उह ना इत्थे ला लईआं सीगीआं डबल चेपी दे नाल ते हुण इत्थे मैं आह दवाईआं रखण गई सी इस पता नहीं बहम आ पता नहीं सुण सुणाई गल आ है ना भी कहिंदे भी ज़्यादा बीमारी रहिंदी आ जे आपां किचन दे विच दवाईआं रखदे आ पता नहीं हुण मैनूं नहीं पता इह किड्डा क वड्डा बहम आ ते जे आपां इत्थे नहीं रखांगे फिर कित्थे रखांगे कहिंदे हुंदे आ भी मतलब जिथे आपां पैणा सौणा उत्थे भी नहीं रखणियां चाहीदियां भी फिर मतलब बंदा बीमार ही रहिंदा आ है ना ते हुण मैनूं पता नहीं वहम जिहा लग्गिआ पिआ वी फिर मैं हुण फ्रिज ते पहला पहला जदों मतलब अपना इह किचन तैयार नहीं सी हुंदा उदों फ्रिज ते हुंदियां सीगीआं पता नहीं इह वहम आ जां इह सच आ मैनूं नहीं पता हैगा कहिंदे वी फिर दवाई नहीं छुट्टदी हैगी इह सुण सुणी सुणाई गल आ वी हुण मैनूं नहीं पता वी दवाईआं तां हुंदियां ही साडे तां स्पैशल हुण तां मैनूं लगदा हर घर दे विच हुंदियां ही हुंदियां ने है ना ते लो जी इत्थे मैं बाहर दीदी होणी बाहर है ना भांडे धोंदियां सी ते फिर मैं सोचा भी मैं रोटी बनाउणी आ एक वारी है ना हल्का जिहा झाड़ू ला लवां ते भी फिर मैं लंच तैयार करना सीगा दुपहर दा टाइम हो गया सी मैं रोटी बनाउणी सीगी उहनां ने भी खाणी सी ते आपां भी खाणी सीगी है ना ते फिर मैं इत्थे चंगी तरहां झाड़ू लाया ते साफ कीता उपरों अपना काउंटर चुल्हा भी साफ कर लिया क्योंकि उपरों है ना डस्ट आई हुई सीगी ते इन्ना ज़्यादा गंदा किचन है भी नहीं ते शुरू दे विच तुसीं देखिया होना भी जिहड़ी है ना कंधा दिखदी आ किचन बना लिया सारा कुछ बना लिया बस जिहड़ी एक है ना घाट आ उह जिहड़ी मतलब घाट आ ना उह ज़्यादा जरूरी सीगी उदों तां जाने कि मैं आला किचन बनाउण दे विच राजी नहीं सीगी है ना मैं इहनां नूं कहिंदी सी रहिण दो भी इन्ना कौन साफ सफाईआ करिआ करूगा उही गल होई जिहड़ी मैं कहिंदी भई हुण पता लगदा है ना उदों तां आपां चा चा दे विच बणाउंदे रहिंदे आ ते हुण पता लगता है भी जदों साफ करना है देखण नूं तां किचन सारे घर तो बहुत छोटा आ पर जदों इहदी क्लीनिंग करनी आ ना वाहिगुरू वाहिगुरू रब याद आउंदा आ भरावा जे किसी ने नहीं बनाईआं तां ना ही बनायो ये ड्रॉ जे किसी ने नहीं बनाए पर हुण तां लोक स्पैशल बनाउंदे आ ते साडे ना किचन दे विच जिहड़ी इक कमी आ उह रहिगी चिमनी दी ते उदों मैनूं भी ये चीज़ां दा ज्ञान नहीं सीगा है ना जे आपां कहीए भी मैनूं नॉलेज नहीं सी ना मैं किसी दे लग्गिआ होइआ देखिआ सी
ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਟੱਚ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਚਿਮਨੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਚਿਮਨੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਚਿਮਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਸ਼ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਆ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਦੀ ਆ। ਚਿਮਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡਰੋਅ 'ਤੇ ਫੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਰੋਅ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ।